नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा सशक्तिकरण एजुकेशन एजुकेशनल एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफ़ी दिनों से साथियों के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर प्लीज आए और अपनी बात रखें। आप सभी का धन्यवाद दूंगा, विशेष रूप से जन्मोत्सव समिति का धन्यवाद दूंगा जितने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबा साहब के जन्मदिवस को इतना सुंदर इतना शानदार बनाया, इसके लिए सभी आभारी हैं जन्मोत्सव समिति के। और खास तौर पर जन्मोत्सव समिति की जो युवा टीम है रात दिन एक करके इस टीम के सदस्यों के साथ पिछले 30 दिनों से लगातार नच में हूँ और जानकारी रखता हूँ किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से टीम काम कर रही है। और मुझे ये कहते हुए सच में बहुत खुशी है, इस बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि ऐसी ही युवा टीम है, ऐसी ही युवा टीम होगी जो बाबा साहब के सपने को पूरा करेगी। साथियों, आज बात बाबा साहब की चल रही है और सुबह से कई वक्ताओं ने लगभग सभी बातें कही हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उन्हीं बातों को दोहराऊँ, बार बार उन्हीं बातों को करूँ। और सभी साथी, अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, देर भी हो गई है, रात का समय हो गया है, सभी लोग थके भी हुए हैं, वो जाना भी चाहते हैं, पर फिर भी मैं बात अपनी ज़रूर कहना चाहूँगा। साथियों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज बाबा साहब का जन्म दिवस है तो बाबा साहब का एक सपना था। हम सभी को उस सपने के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्या सपना था, बाबा साहब ने क्या सपना देखा था, वो सपना देखा किसके लिए था। वो सपना देखा था उन्होंने हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए। और हम सबका दायित्व है हम पूरा करें उस सपने को। हम बाबा साहब के बारे में बड़े बड़े नारे लगा के बड़ी बड़ी बातें करके चुप बैठ जाएंगे, ये सबसे गलत होगा। अगर हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सच्चे तौर पर उनको याद रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो हमें उनके सपने को पूरा करना होगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प की जरूरत है, बहुत बड़े त्याग की जरूरत है। और आज मैं युवा टीम में त्याग की भावना, दृढ़ संकल्प देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आज बहुत ही उत्साहित हूँ। मुझे लगता है बाबा साहब का वो सपना इसी तरीके की युवा टीम, इसी तरीके का समाज, इसी तरीके की जन्मोत्सव समिति पूरा करेगी। और हम सब मिलकर बाबा साहब ने हम सबके लिए सपना देखा है, न्याय का सपना, सामाजिक राजनीतिक न्याय का सपना। बाबा साहब ने हम सबके लिए सच्ची आज़ादी का सपना देखा, बाबा साहब ने जो हमारे लिए बराबरी का सपना देखा, बाबा साहब ने जो हमारे लिए एकता का सपना देखा, इस देश के लिए अखंडता का सपना देखा, उस सपने को पूरा करने का दायित्व हमारे ही ऊपर है। और आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जब भी ये बात होती है हमें से ज्यादातर ये कहते हैं दायित्व किसका है, आप मैं कोई बोलना चाहेगा कि दायित्व किसका है, हम सब का, हम सब का। पर मुझे लगता है दायित्व है मेरा, मैं करूँगा, मैं अपने आप को बाबा साहब के पूरा करने के लिए सोचूंगा, मैं इंतजार करूँगा, अपने मैं उसके लिए उस सपने को पूरा करने के लिए हर सब त्याग करूँगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से हर बैठक व्यक्ति बाल विश्वास रखता है, वो भी चाहता है कि वो बाबा साहब का सपना पूरा करे। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको आज के बढ़ लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि मैं वो सपना, मैं बाबा साहब का सपना पूरा करूँगा। इसी बात के साथ आज अपनी बात को खत्म करूँगा। धन्यवाद। जय भीम।